देवी और सज्जनों, भारत में भक्ति की धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हुई है। इसके लिए उत्तर भारत के साधु समाज ने श्री रामानुजाचार्य जैसे दक्षिण भारत के संतों के प्रति सदैव कृतज्ञता व्यक्त की है। उत्तर भारत के भक्तों में एक दोहा प्रचलित है जिसमें कहा गया है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट कियो कबीर ने सात द्वीप नौ खंड। अर्थात भक्ति की धारा दक्षिण के क्षेत्र में आलवार संतों और श्री रामानुजाचार्य की परंपरा में उत्पन्न हुई। उसे स्वामी रामानंद उत्तर भारत में ले आए। उनके शिष्य संत कबीर ने जम्बू द्वीप सहित सातों द्वीपों और भरत खंड सहित सभी नौ खंडों में अर्थात समस्त भारतवर्ष में भक्ति के प्रकाश को फैलाया। स्वामी रामानंद ने कबीर, रैदास, दादू, दयाल और पीपा जैसे संतों को भक्ति का मार्ग दिखाया। स्वामी रामानंद के हुए सभी शिष्य तथाकथित पिछड़ी जातियों के थे। आज से सदियों पहले के इस उदाहरण में भारत की समता मूलक चेतना के तत्व विद्यमान हैं। इस प्रकार श्री रामानुजाचार्य के दर्शन पर आधारित भक्ति की धारा ने समता के आधार पर समस्त भारत में समाज के सभी वर्गों को एक दूसरे से जोड़ा। हमारी परंपरा में समता के भाव को ही ज्ञान का मुख्य तत्व माना गया है। गीता के पांचवें अध्याय में कहा गया है कि पंडिता समदर्शिना, अर्थात जो व्यक्ति वास्तव में ज्ञानी होते हैं वे सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखते हैं। समदर्शी होना ही श्री रामानुजाचार्य की सबसे बड़ी विशेषता थी। देवी और सज्जनों, कल ही मैं महाराष्ट्र में था। मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पैतृक गांव में गया था और आज मैं इस पवित्र समारोह में यहां उपस्थित हूं। बाबा साहब के परिवार ने कबीर पंथ को अपनाया था। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में बाबा साहब का वो छोटा सा गांव आंबडवे और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित यह स्थल श्री रामनगर श्री रामानुजाचार्य और संत कबीर की परंपराओं से जुड़े हुए हैं। समता पर आधारित भक्ति के आदर्श का स्मरण कराने वाले ये दोनों स्थान मेरे लिए पवित्र तीर्थ स्थल ही हैं। देवी और सज्जनों, समस्त प्राणियों के कल्याण हेतु कार्य करना भी हमारे देश का प्रमुख जीवन मूल्य रहा है। सबके हित का यही आदर्श श्री रामानुजाचार्य के विशिष्टा द्वैत पर आधारित भक्ति मार्ग में भी दिखाई देता है। इस करुणायुक्त भक्ति का प्रवाह देश के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचा। गुजरात में नरसी भगत ने इसी परंपरा के अनुसार भगवान विष्णु का वास्तविक भक्त उसे माना जो दूसरों के कष्ट को समझे तथा उनका दुख दूर करने में लगा रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी नरसी मेहता द्वारा दी गई वैष्णव भक्त की इसी परिभाषा को अपनाया। आधुनिक युग में सनातन भारतीय जीवन मूल्यों की स्थापना करने वाले गांधी जी पर भी श्री रामानुजाचार्य का प्रभाव दिखाई देता है। गांधी जी ने सन 1923 में अपने कारावास के दौरान रामानुजचरित नामक पुस्तक का अध्ययन किया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गांधी जी के जीवन में भी श्री रामानुजाचार्य जी का बहुत प्रभाव पड़ा था। श्री रामानुजाचार्य के बाद की सहस्राब्दी में उनकी सोच से कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रहा। साथ ही समाज सुधार एवं मानवता के कल्याण हेतु जो बदलाव हैं उन पर भी श्री रामानुज स्वामी जी का प्रभाव दिखाई देता है। असम में श्री शंकर देव से लेकर महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर तक, पंजाब में गुरु नानक से लेकर केरल में मेलपत्तूर नारायण भट्ट तिरी तक, इन सभी विभूतियों पर श्री रामानुज
रामानुजाचार्य का प्रभाव था। यहां तक कि स्वामी विवेकानंद का भी मैं उल्लेख करना चाहूंगा। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि यू मे मार्क द करेक्टरिस्टिक सिंस द टाइम ऑफ रामानुजा द ओपनिंग ऑफ द डोर ऑफ स्पिरिचुअलिटी टू एवरी वन दैट हैज बीन द वॉच वर्ड ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स सक्सीडिंग रामानुजा। देवियों और सज्जनों, श्री रामानुजाचार्य जैसे संत युग प्रवर्तक भी होते हैं और युग दृष्टा भी। आज हमारा संविधान हमारे देश की व्यवस्था का आधार है। सदियों पहले मंदिर और मठ संस्कृति और कार्य व्यवस्था के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। उस परिवेश में समानता की स्थापना करने के लिए श्री रामानुजाचार्य ने समाज के पिछड़े वर्गों को मंदिरों और मठों की व्यवस्था में सहभागी बनाया। इस प्रकार हमारे संविधान के समता मूलक आदर्श श्री रामानुजाचार्य के विचारों और कार्यप्रणाली में स्पष्ट दिखाई देते हैं। जो संत बहुत महान होता है उसे भारत के लोग ईश्वर के समकक्ष रखना चाहते हैं। श्री रामानुजाचार्य को इलाया पेरुमाल यानी परमेश्वर के अनुज अर्थात लक्ष्मण कहने के पीछे हमारे देशवासियों की यही भावना झलक दिखाई देती है। एक लोकप्रिय श्लोक में अलग अलग युगों में जन्म लेने वाले भगवान विष्णु के छोटे भाइयों का उल्लेख किया गया है। उस लोक मान्यता के अनुसार सबसे पहले अनंतनाग यानी शेषनाग के रूप में, उसके बाद त्रेता युग में लक्ष्मण के रूप में, तत्पश्चात द्वापर युग में बलराम के रूप में और अंत में कलयुग में मुनि रामानुज के रूप में भाई ने विष्णु रूपी भाई की सेवा की। यह लोक मान्यता श्री रामानुजाचार्य के अतुलनीय महत्व को रेखांकित करती है।